भूमियार समाज की रीढ़ कहे जाने वाले युवा जांबाज सिपाहियों, सम्मानित साथियों, भाई सभी से परिचित है, नाम तो किसी का किस किस का ले किसी का छूट गया, उनका अगले हम रो जा रहे धरने में। देखो एक तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आपका जो धरना है जो प्रदर्शन है त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का जो चल रहा है, ये हमारी बहन निंगला और हमारी बेटी जो अनु है और वे छह बच्चे हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों में, जबकि सबको पता था कि सरकार का पूरी एक तरफ है और वहां पुलिस और प्रशासन पूरे रहते, लेकिन वे वहां वो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाना देने के लिए गए, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। हमारा जो धरना है जो उस दिन टोल फ्री टोलों को धरने हुए जनपद मुजफ्फरनगर में कोई रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन मेरठ टोल पर वहां पर प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट की गई और हमारे लगभग 80-90 आदमी जो हमारे युवा हैं उनके नाम इन्होंने लेने का काम किया। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं और अपील भी करता हूं, भाइयों जो हमारे भाई हैं जो किसी कारणवश हमसे अभी असंतुष्ट है, पर मेरा एक निवेदन है, आप उनके बारे में बिल्कुल भी कोई भी गलत सलत कमेंट ना करें। हम देख रहे कि व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ग्रुपों पे आपस में एक दूसरे को भत्ती भत्ती पोस्ट डालकर पता नहीं क्या दिखा रहे। भाइयों अगर हमारा कोई भाई इस धरने से, मांगेराम त्यागी से या किसी और व्यक्ति विशेष से नाराज है तो उसे अपने को समझाओ हमारा है। आज हमारी लड़ाई हमारे किसी समाज के भाई से न होकर हमारी लड़ाई महेश शर्मा और राजेंद्र अग्रवाल के द्वारा जो हमारे समाज का हमारे जो माँ बहन और बेटी है इनके सम्मान को खोने का काम किया है, आज हमारी लड़ाई उन लोगों से है। हमारी लड़ाई सरकार में जो बैठे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, हमारी लड़ाई है कि हमारी बात वहां तक पहुंचे और वो इस पर कोई कड़ा डिसीजन लें। हमारी लड़ाई फिलहाल जो अफसर जो पुलिस अधिकारी जिन लोगों के द्वारा बहन अनु का मकान तोड़ा गया, जिन लोगों के द्वारा हमारी बहन और बेटियों को चार चार दिन अवैध हिरासत में रखा गया, अपहरण किया गया, हमारी लड़ाई जिन लोगों के द्वारा जिन अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से अन्नु हमारी बेटी और इंगला हमारी बहन उनके मकानों के कनेक्शन काटकर और उनकी बिजली पानी कनेक्शन काटकर उनके दो छोटे छोटे बच्चे पालतू कुत्ता वो उतरने वाले का इशू रहा कि उनकी जान नहीं गई। हम उस मकान में गए, उस मकान पे अगर आप लोग जाएंगे तो 15 मिनट आप बिना बिजली के वहां नहीं बैठ सकते, कोई खिड़की नहीं दरवाजे नहीं समय बात नहीं आ रही, ऊपर वाले का एक चमत्कार है, वे बच्चे किस तरह जिंदा रह गए। कल आपने देखा होगा कि आज एक प्रोस्ट गड्डी है, पेपर में भी आ रहा शायद, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ आदमी एसडीएम और तहसीलदार को पीट गए, कहा गई वह गैंग। जब आप अधिकारियों के साथ ऐसे बर्ताव करोगे
और एक गालीबाग त्यागी, गालीबाग गुंडा त्यागी, फलाना त्यागेगा, इन्हें यह पता नहीं कि महावीर त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, आसाराम त्यागी जो हमारे मेजर साहब थे, वो कितने ही व्यक्ति कहां कहां तो गिनो इसी पोस्टों पर आज भी बैठे हैं, पहले बैठे रहे, और इनको ये पता नहीं है कि जिस आजाद देश में, जिस आजाद भारतवर्ष में तुम लोग बैठे हो, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण आप उनके गांव का टाका निकाल लो। कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां 5 साल लगाकर 20 साल भी फ्रीडम फाइटर नहीं थे। आप हमारे समाज को ज्यादा देखने में आ रहा, अगर कहीं कोई भी फंस गया उसका उत्पीड़न करने का काम कर रहे हो। अभी लगभग 3 दिन पहले एक काकड़े की हमारी बड़ी बहन जो 70-72 वर्ष की थी, उसके लड़के का नाम किसी केस में आ गया, उसे उठाने मुझे बताया, मैंने ऐसे तो बात करी, ऐसे एसपी का नंबर में बात करी, मका छोड़ दो, एक तो घर में झेल लिया, दूसरा तैयार कर लिया, वो उन्होंने छोड़ भी दिया, लेकिन हमने तो हमारे मन की शांति हुई, हम और आपके टेम थाने में गए, वो इंस्पेक्टर ही हम एक तो घंटा तो चक्कर लिया, चलो इंगा तिंगा तलना कहीं अधिकारी को जैसे जैसे फोन कराए, उसने खेत प्रकट करा अपने पूरे थाने की तरफ से, और उस लड़के के बारे में कहा, हमने कहा अगर दोषी है तो कोई सिफारिश नहीं, अगर निर्दोष है निर्दोष की जेल ना भेज दिए, आप इसमें स्वयं कार्रवाई करें। आप कहीं भी देख लो, हम लोगों की 99% वोट लेकर ये लोग हमारा उत्पीड़न करने का काम कर रहे। अभी उत्तराखंड में केस किया शत्रुघ्न का, आजमगढ़ का देख लो, कहां कहां तक गिरवा हुआ, कितने कितने बजे होना है कार्रवाई, यानी के भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी हो तो गंगा जल की क्या न घर में, वो तो तड़के ना कर चलो गंगा जल में, वो तो हो साफ सुथरा, और नहीं तो हो कहीं है। और मैं आप भाइयों से विनती करना चाह रहा हूं, जब श्रीकांत त्यागी जैसे आदमी को जिसने इनके ऊपर 5-4 करोड़ रुपए भूख रखे, जब ये उसका अपना निवास है, हमारे तम तो लगे क्या। अभी बहुत जल्दी ग्रामीण स्तर और सभी शहरों से आज भी बुलाए जाएंगे, और एक यहां से सभी जिम्मेदार लोग हैं, सभी की एक सहमति से एक महापंचायत का बहुत जल्दी यहां मेरठ चौधरी चरण सिंह पार्क से घोषणा होने वाली है। वो जैसा आप लोग चाहेंगे, कहां चाहेंगे, किस जगह चाहेंगे, कौन से शहर में चाहेंगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। वो जितने भी आदमी हैं, पीछे कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी भंग कर दी गई, जो यहां आ रहे हैं वो सभी अपने आप को कमेटी का मेंबर समझे, जो घर बैठे अपने वो भी अपने आप को कमेटी का मेंबर समझे, वे जिम्मेदार हैं। मेरा फिर पुनः एक आग्रह है, हमारे इतने भाइयों को इस भारतीय जनता पार्टी को सम्मान मिल रहा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे उनको केवल और केवल एक लैंचूस देने का काम ये सरकार कर रही है, और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे अधिकारी हमारे वो पुलिस में हो, चाहे हमारे सरकारी वकील हो, चाहे प्राइवेट वकील हो, उन सबको सम्मान देने का काम करें। जो हमारे भाई हैं, जो लगभग 20-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी के वो लग रहे, हम 99% वोट दे रहे हैं, हमको क्या यह सरकार और क्या यह भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान दे रही, केवल और केवल हमारे बच्चों से दरी बिछाने का काम कराया जा रहा है। अगर यही चलता रहा
तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा हाल कांग्रेस जैसा होने वाला है। हम योगी जी से एक आशा करते हैं, महेश शर्मा सांसद, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल सांसद, आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी योगी जी आपकी बढ़ रही है। वोट किसी को नहीं दे रखी लोगों ने, वोट योगी जी और मोदी जी को दे रखी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। मैं अगर घर का अपने परिवार का मुखिया हूँ और मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा कोई और घर का मेंबर कहीं गलती कर गया हुआ तो जिम्मेदारी मेरी बढ़ती है। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिम्मेदारी आपकी है। हमें आपसे आक्रोश भी व्यक्त कर रहे, हमारा समाज आपसे आक्रोश भी व्यक्त कर रहा है। जो आपके पास गलत सबलत रिपोर्ट ये लोग भेज रहे हैं, हम उनको भी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जिस दिन इस मामले का पता पेश होगा, आप अपने पैरों के नीचे से धरती खत्म समझिए। आज भी आपके पास समय है, आप सुधर जाओ। और मैं विशेष तौर पर अपने त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के जो हमारे हाई लेवल के नेता हैं, पहली बात तो है भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी नहीं मेरे नेता, लेकिन फिर मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, हम आपको अपने सिर आंखों पर रखेंगे और कोई तो बैठावा कर देगा, हम बैठाऊंगे आपको सिर पर। देख लो ये बहन अन्नो और बहन इंगला, ये समाज की है, ये आपकी भी कुछ लड़की होंगी, ये आपकी भी बेटी बहन लड़की होंगी। आप इस काम को देख लो, तरह तरह की बात उठ रही, श्रीकांत जी वहां श्रीकांत वो है, हम श्रीकांत की कोई पैरोकारी, अगर श्रीकांत गलती कर रहा पॉलिटिकल हिसाब से, और यहाँ हम श्रीकांत की सहायता, पॉलिटिकल वो मामला दूसरा होगा, था उसकी जात में उसको समझा सकता है, तुम्हारी बात करी जा सकती है। लेकिन जो महिला वैसा समाज की, वैसा समाज जो बढ़िया समाज है, मैं भी हमारे भाई हैं और वह लड़की भी हमारी कुछ बहन बेटी लड़की होगी, हमें बढ़िया समाज से भी कोई विरोध नहीं है। मारा भाइयों का मारा जो है चोलिए सावन का साथ है, लेकिन हम एक बात बताना चाह रहे हैं, कुछ लोग इसे जातिया रंग देना चाह रहे, जो हम चलने नहीं देंगे। कुछ बढ़िया समाज के लोग जो हमारे मित्र हैं धरने पर भी आ रहे, गलत को गलत कहेंगे, अगर हमारा कोई त्यागी समाज का या हमारा बेटा ही क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा तो हम उसका विरोध कर देंगे। कुछ लोगों के द्वारा तरह तरह की बातें कही जा रही, बढ़िया समाज मीटिंग करेगा, त्यागी समाज उसके खिलाफ है, बिल्कुल गलत। ना तो हम बढ़ियों के खिलाफ है, बढ़िए भी मेरे भाई हैं, मारा किसी से वो नहीं है, वह लड़की तो केवल इस्तेमाल की गई है, मामला तो कुछ और है, मारा उसको कोई लेना देना नहीं है। और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाह रहे, जो पेड़ वहां से पटे थे, वहां की जो वो अधिकारी है कोई लेडी, उसे देख लो बहुत जल्दी, यानी तुझे भी लेने के देने पड़ जाएंगे, पेड़ दे तो वहां लगोगे। अगर हम चाह रहे सह सम्मान तुम्हें लगा तो भाई प्रशासन ने लगा दिया, और नहीं पेटे लगा रहे तो किसान को रोज कम लो 4000 पेटे अपने खेत में लगाओ, मैं तो 8-10 पेटे होंगे उन्हें लगाते ज्यादा देर नहीं लगने के। मारा एक निवेदन आपसे मैं पुनः कर रहा, एक तो कोई इसका राजनीतिक मंच न बनाओ, न राजनीतिक मंच इसको हम बनने देंगे, न यहां से राजनीति चलेगी। मांगेराम त्यागी ने भी उस दिन स्पष्ट कह दिया था, मैं भी अपनी टोपिया रंगोच्छा घर धर का आता, मैं अगर आज हूं तो अपने समाज के लिए हूं, अगर कहीं गर्दन कटने का भी हो गया समाज के ऊपर तो भाई गर्दन कटवा वो पीछे नहीं हटने का। मेरा कुछ भाइयों से और निवेदन है और हाथ जोड़कर अपील है,
आप किसी भी भाई को किसी भी मन से गलत कहने का काम न करें। अगर कोई गुस्से में है गलत बोलना तो अपने को समझा लो भाई, अपने की गाड़ी खा लो भाई, अपने के पैर तो बैठ लो भाई, समझ गए। ये समय ऐसा है आपस में लड़ने का नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो बहुत बड़े शेर की साथ है, वो सरकार की साथ है, दोनों जगह ऊपर भी नीचे भी भाजपा की सरकार है, ऊपर भी लड़ाई है नीचे भी लड़ाई है। हम उम्मीद की पूरी पूरी, उस दिन हमारी बेटी अन्वी यहां ही अरिंगला, अगर उस दिन योगी जी की 5 मिनट मिल गया तो हो सका उसी दिन जो टंटा बन जाता, लेकिन उसको भी हम कहने में कोई गुरेज नहीं है। माननीय योगी जी को उस दिन गुमराह किया गया और हम योगी जी को बता रहे, उस दिन तो आप गुमराह हो सकते हैं लेकिन अब यह मामला बहुत ऊंचे स्तर का है, रुक का बढ़ गया। अभी 3 दिन पहले श्रीकांत त्यागी की बेल रहेगी, चलो भाई वकील झूठ बोलता होगा भाई, आज तक को एनडीटी वालों को फलाने झगड़े को क्यों आएगी भाई गलत रिपोर्ट, अगर मैं गलत बोलने तो उन पर केस हो और अगर जमानत होगी तो ये बवाल क्या हो गया बाद में। हम माननीय न्यायालयों को टीका टिप्पणी करते, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब यो क्या पता बवाल हो रहा इस बात को भी समाज देख लो भाई। समाज वो चीज है, अगर इनके दिमाग में गलत फहमी है तो भाई कसम खा लियो तुम भी और हमारी अंत घोषणा कर ले भाई, चाहे महेश शर्मा की जगह और डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल और डॉक्टर महेश शर्मा, इनके सामने पार्षद के टिकट नहीं होने के, अगर इनके टिकट होएगा ना भाई अपने को किसी त्यागी ब्राह्मण को नहीं देने खड़ा कर दिया गया, इनका इलाज कर दियो भाई। हम तो आज इतनी पीड़ा है इन लोगों से, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल एक न्यूज चैनल की एंकर ने पूछा कि त्यागी समाज में क्या चल रहा, तो उसके ये जवाब है और बेफालतू की बात ना करो, यानी कि तू तो कहने तक हाँ गलत हुआ या मेरे से गलत हुआ कोई तो बताता, यानी कि 2.5 लाख वोटों को बेफालतू वोट बता दी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाई दूध तो बहुत जल्दी, दूध का जो कुट रहा हूं ना, जब किसी के अंदर से फेंक रहा हूं लात मार दिया छिड़ने लगो, और दूध को तैयार करने में घास लो भैंस का घेरो पड्डो गरम करो मिठा करो, जब वो गिलास हो उसके आदमी के मुंह के सामने हो तो भाई हम भी चाहे कटोरे में लात मारनी, अपने को किसी भी युद्ध के लड़ा दियो, खर्चा 1 रुपया का होड़ ना दियो, इनका इलाज भरा भराया समझिए। आ जाओ भाई हम बढ़ाएंगे तुम्हें डिप्टी, हम बढ़ाएंगे तुम्हें साहब, हम तो आएंगे तुम्हें बेफालतू बात कमाल है भाई। और मेरा पुनः निवेदन है अपने समाज के नेताओं से, वो अजीत पाल विधायक जी हो या सोनी त्यागी जी हो या अन्य हो, आप हमारे लिए अब भी सम्मानीय हैं, आप समाज के लिए कुछ भी कर रहे, आप समाज के कोटे से जा रहे, आपको समाज ने अपना वो बना रखा है, समाज की तरफ से भाजपा वालों ने बना रखा है समाज की तरफ से, मैं कोई प्रजापति या कश्यप समाज से जा रहे, वो मेरे समाज के कोटे से हैं, कोई तो सिर पर बैठा रहा और कोई कहीं बैठा रहा मेरे समाज का। आपको आपका भी मान्यवर त्यागी जी आपका भी दुष्कर्म बनता है, आप भी इस अमल में भारतीय आहुति दे लो और नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे, पूरी जिंदगी पछताओगे। हम पुनः आपसे मेरे पे रोज 10-20 फोन आ लो,
एक तो कोई राजनीतिक बात मंशन ना करे, कोई भाई राजनीति वाला ज्यादा हो रहा है तो अपना इस्तीफा देगा, हमने भी इस्तीफा दे देता, इस्तीफा देगा जब जाकर बोल रहे आज ही। और मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूं कि आज जो समाज है ना हमारा, वो 99% इस तरह खड़ा और वो दो एंटाई की स्थिति में, करोड़ मरो की स्थिति में रोज थामने पड़ रहे ना लंदों को। और हम ये भी चाहते वो सेनापति भी गंदा हो जो अपनी सेनाओं को टुकड़ा दो, हम ये भी चाहते कि हमारे बच्चों को मुकदमे लगाओ, मुकदमे लगाओ या लाठी लगो या गोली लगो, भाई पहले मांगे राम क्या ही खड़ा बाद में हो तो मारे पता पहले कह रहा वाला मुकदमे लग रहे लोग कुछ कह लगने नहीं, दो जाप करते ब्याह दिए आज भाई। और जहां हम यहां बैठे ना, ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, नहीं तो अब तक तुम्हें इलाज करना घर को भेज देते। आज हरियाणा हो, मेरे भाई हरियाणा से आ रहे, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, एक दिन अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में छह गांव का ये त्याग हो गए, वहां तो फोन आया बताओ, अभी मीटिंग करवाऊंगा। तो अब विदेशों में रात को हम सो जाओ फिर तो 2:30-3 बजे आऊ वहां दिल्ली करता होगा, बोलना जी हाँ विदेशों में जो है बहुत वो हरी। तो मेरा निवेदन है, एक तो आप अपनी जो ये भाजपा की जो आईटी सेल है इसमें तोड़ते मेरे तो लड़के थे क्या की ब्राह्मण भूमिहार समाज के उनका, तो वो करता आप भाई इस पर लग जाओ। और बस मेरा एक सबसे बड़ा जोर यह है, और कोई गाली भी दे रहा है ना भाई उसका हमका हाथ जोड़ लो, भाई तू ही बड़ा हम छोटे हैं। और मेरा एक निवेदन हो रहा है भाई, जो मेरे भाई है और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भाई, भाई मेरी अपील है हाथ जोड़कर भाई, अगर यहां भी आते एक महीना घर बैठ जाए, एक महीने में इनका घूस भरा जाएगा तो मैं पिताजी का आएंगे पूरा होंगे, राजनीति आप करोगे और ये ठीक ठाक कर देंगे तमाम भाई। मैं दिया अब देखो हमारा जाट समाज है, बहादुर समाज है, वो कहते हैं जाट जो सरकार को बहुत गाली दे रहे, मारे वाले कहते हैं बात गलत कर रहे, क्या हो गया भाई प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना अपने पिताजी को, राष्ट्रपति क्यों बनाया, इनका तो मारे पे तो लोग रहा कप्पा और कि न कुछ दो या मत तो सारे पर 99% वोट आऊंगी। और मैं जो है एहसास कराकर विरोध करके वोट देते हैं दे रहे, आप किसी भी समाज को लगा लो, हर समाज को जिसकी जितनी भाग्य आप 18% हो लगा लो हिसाब, कितने हमारे यूपी में कितने एमपी, मेरे ख्याल में इतने एमपी बने संसद में एक बस बताने के लिए सात एमपी हो, विधायक इतने हो। अब मेरे ख्याल में जब वो विधानसभा में जा तो त्यागी भी तो कैटी भर में जा, तो ये हालात क्यों हुए, ये हालात इसलिए है और हम अपने भी तो थोड़ी बर्दाश्त नहीं कर रहे, अपना तो अगर करे कुछ कहा इतना सब 10 बार नहीं कहेंगे तुम्हें चैन नहीं पड़ने की ना पानी पीने का। और भाई दूसरा कहा देगा अगर छोड़िए आप तुम अच्छा ना कि आज चलो बड़ा हिला करो उसकी साथ ये है। तो मेरा निवेदन है अपने को बिल्कुल भी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कुछ भी लिखना बंद कर दो, ये तमाशा सब देख रहे, ये सारा भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता है ये सही डाटा ठाकर मजाक बना रहे आपकी, उन्होंने कुछ कहो आप अगर बोल लो तो इन दो ये जो दो नाकू है ना इनका जिला बोल लो, ये जो दो नाकू है जिन्होंने यहां से अधिकारी लुका रहे हमें भाई अमन ही समझ में नहीं आया। अब तो आप यहां मेरठ में कांड तो है वहां का, और मेरठ में धरना क्यों, अजी मका बाबू जी मिसाइल से नहीं मेरठ का, मिसाइल मेरठ से चली और गिर की वहां से जाकर मैक्सिको ठीक है, तो जहां तक मिसाइल बढ़कर चली हम तो वहीं तो बैठे हैं, पर मैंने क्या पता
वो अगर मिसाइल बनते उठती महेश शर्मा के बनता वहां जाते हैं। अब जहां तक मिसाइल चली धुआं तो एकदम छोड़ दी गई वहां धुआं तो इसको भी छुपी दिया। इसका ये काम कर लो, ये जितने मेरे हैं ना, पर मैं तुम्हें पहले बताता जो जा रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मंत्रियों के पास इनके उल्टे सुलटे तो इनकी साथ बोल लो ना तो मैं धक्के देने के लिए 10-15 जाओ पटले।